अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैफ अली और इलम सीखो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बीकॉम पार्ट टू और उसका चैप्टर है अकाउंट एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। आज हम प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग डाटा आर टेकन फ्राम कंपेरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड फॉर द स्टैनफोर्ड कंपनी। ये कंपेरेटिव बैलेंस शीट है, यानी कि दो सालों की बैलेंस शीट है। उसमें हमारे पास कैश 2009 16,000 2010 30,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट्स एंड अदर एसेट्स। ये हमारे पास फिगर्स हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ का हमें टोटल दे दिया गया है 60,001 लाख। रिक्वायरमेंट में वो हमसे पहले कह रहा है From the given data, calculate for both 2009 and 10 the working capital। यहाँ हमने working capital find करना है, working capital ratio नहीं find करनी। The current ratio, the asset test ratio, the ratio of current assets to total assets, the ratio of cash to current liabilities, evaluate of cash to current liabilities। हमने सबसे पहले ये रेशोज़ फाइंड करनी है और पार्ट बी में वो हमसे कह रहा है कि इसकी इवेल्यूएशन भी करें। सबसे पहली रेशो है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। हमने करंट एसेट्स को पहले ऐड अप करना है कि करंट एसेट्स है कौन कौन से, इनको सम करेंगे और करंट लायबिलिटीज़ टोटल हैं तो हम करंट लाइबिलिटीज उसमें से लेस कर देंगे। फॉर 2009 1,42,500 हमारे पास करंट एसेट्स हैं और करंट लाइबिलिटीज 60,000। हमारे पास 82,500 वर्किंग कैपिटल है 2009 के लिए, और 2010 के लिए हमारे पास है 1,72,500 करंट एसेट्स हैं और 1,00,000 टोटल लाइबिलिटीज़ हैं। 72,500 हमारे पास वर्किंग कैपिटल है। इधर हम वर्किंग कर लेते हैं 2009 एंड 2010। सबसे पहले करंट एसेट्स में हमारे पास कैश है 16,000 है 2009 में और 30,000 है 2010 में। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं 20,000 एंड 10,000, दैन ट्रेड रिसीवेबल्स हैं नेट 45,000 एंड 55,000। तो ये हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ गए हैं। 81,000 हैं 2009 में, जबकि 95,000 हैं 2010 में। ये हमें काम आएंगे जब हमने लिक्विड या एसेट टेस्ट रेशो फाइंड करनी है। इसमें हम ऐड करेंगे इन्वेंट्रीज़ रुपीज़ 60,000 2009 में है और 75,000 2010 में है। इन्वेंट्रीज़ के बाद हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,500 एंड 2,500। तो ये हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ गए 1,42,500 2009 के लिए और 1,72,500 2010 के करंट एसेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करंट रेशो। करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। हमने करंट एसेट्स भी फाइंड कर लिए हैं और करंट लायबिलिटीज़ ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। हमने अमाउंट्स पुट करनी है और आंसर फाइंड कर लेने हैं। तो 2009 की होगी 1,42,500 करंट एसेट्स हैं और 60,000 हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो इसका फार्मूला लगा के तो अमाउंट्स पुट करेंगे 1,42,500 डिवाइडेड बाय 60,000 2.375 रेशो 1। ये हमारे पास करंट रेशो का आंसर है। इसी तरह हम 2010 की भी रेशो फाइंड कर लेंगे। 2010 के करंट एसेट्स हैं 1,72,500, इसको हम डिवाइड करेंगे 1,00,000 पे 1.725 रेशो 1। ये हमारे पास करंट रेशो है। नेक्स्ट हमारे पास रेशो है एसेट टेस्ट रेशो। एसेट टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो या लिक्विडिटी रेशो, ये तीनों नाम एक ही रेशो के हैं। इसमें हम फार्मूला लगाते हैं लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़। लिक्विड एसेट्स हमारे पास हैं 81,000 2009 में है और 95,000 2010 में है। तो
तो सबसे पहले हम 2009 के लिए लिक्विड रेशो या एसेट टेस्ट रेशो फाइंड करेंगे। 81,000 हमारे पास लिक्विड एसेट्स हैं और करंट लाइबिलिटीज हैं हमारे पास 60,000। 1.35:1 ये 2009 की एसेट टेस्ट रेशो का आंसर है। 95,000 है हमारे पास करंट एसेट लिक्विड एसेट्स हैं 2010 के लिए। अब हमने यही रेशियो 2010 के लिए भी फाइंड करनी है, तो 95,000 को हम डिवाइड करेंगे 1 लाख पे, ये हमारे पास लिक्विड एसेट्स से, इनको डिवाइड करेंगे 1 लाख पे, 0.95:1 ये हमारे पास आंसर आ गया एसेट टेस्ट रेशो का 2010 के लिए। नेक्स्ट रेशो है द रेशो ऑफ करंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स। हमने करंट एसेट्स को डिवाइड करना है टोटल एसेट्स पे, तो सबसे पहले रेशो ऑफ करंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स नाम से ही जाहिर है, करंट एसेट्स का रिलेशन हमने देखना है टोटल एसेट्स के साथ, तो हम करंट एसेट्स को डिवाइड करेंगे टोटल एसेट्स पे। फॉर 2009 करंट एसेट्स थे 1,42,500 और टोटल एसेट्स हैं 2,52,500 हमारे पास टोटल एसेट्स हैं। हम इसका आंसर देख लेते हैं, करंट एसेट्स हैं हमारे पास और डिवाइड करेंगे हम इसको 0.56:1 ये हमारी रेशो का आंसर है द रेशो ऑफ करंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स। अब इसी तरह हम 2010 के लिए भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसके करंट एसेट्स से टोटल 1,72,500 और इसको डिवाइड करेंगे टोटल एसेट्स पे, और टोटल एसेट्स की अमाउंट है हमारे पास 2,86,000 0.60:1 ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने देखना है द रेशो ऑफ कैश टू करंट लाइबिलिटीज़। अब हमने कैश का और करंट लाइबिलिटीज़ का रिलेशन देखना है, तो इसका फार्मूला डायरेक्टली होगा कैश को डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटीज़ पे, करंट लाइबिलिटीज़ करंट 2009 में हमारे पास कैश है 16,000 और करंट लाइबिलिटीज़ है 16,000 डिवाइडेड बाय 60,000 0.27, इसको हमने राउंड करके लिखा हुआ है 0.27:1। अब इसी तरह हम 2010 के लिए भी यही प्रोसेस करेंगे, वहाँ कैश है हमारे पास 30,000 और लाइबिलिटीज़ हैं 1 लाख, 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख 0.3:1 ये हमारे पास रेशो ऑफ कैश टू करंट लाइबिलिटीज़ का आंसर है। नेक्स्ट हमने इवैल्यूएशन करनी है करंट इवैल्यूएशन ऑफ कैश टू करंट लाइबिलिटीज़। हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है, 2009 में कैश की क्या सूरत हाल थी और 2010 में क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट हुए हैं। तो नेक्स्ट जो हमने पॉइंट देखा, ड्यू टू इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ द वर्किंग कैपिटल इज़ डिक्रीज्ड बाय 1 लाख, क्योंकि लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, तो जितनी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होगी उतना ही वर्किंग कैपिटल हमारा कम हो जाएगा। दिस चेंज इज़ अनफेवरेबल और ये कंपनी के लिए अनफेवरेबल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द करंट रेशो इज़ डिक्रीज्ड, जैसे ही हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी करंट रेशो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। दिस मे हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस और ये कंपनी की परफॉर्मेंस को बैडली इफेक्ट कर सकता है। द मैनेजमेंट शुड पे अटेंशन टू इट और मैनेजमेंट को इसकी तरफ अटेंशन पे करनी चाहिए। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन एसेट टेस्ट रेशो। जैसे ही हमारी करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी जो लिक्विड रेशो है लिक्विडिटी या एसेट टेस्ट रेशो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसका मतलब है कंपनी के पास कैश या नियर टू कैश एसेट्स जो हैं वो बिल्कुल कम रह गए हैं। दिस चेंज इज़ अनफेवरेबल फॉर द कंपनी। नेक्स्ट है हमारे पास द रेशो ऑफ करंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स हैज़ इम्प्रूव्ड स्लाइटली बट दिस शोज़ अ हायर पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स इन टोटल एसेट्स।
कि जो करंट एसेट्स हैं उनका रिलेशन टोटल एसेट्स की निस्बत ज़्यादा हुआ है, करंट एसेट्स ज़्यादा हुए हैं, जो टोटल एसेट्स में हैं उनमें ज़्यादा पोर्शन जो है वो करंट एसेट्स का है, लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हैं वो कम हैं, उनमें सिर्फ प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिनमें ओनली 5000 का चेंज आया है। लास्ट वन है हमारे पास, द रेशो ऑफ कैश टू करंट लाइबिलिटीज इज़ इम्प्रूव्ड स्लाइटली, इट होल्ड्स अ लिटल सिग्निफिकेंस इन व्यू ऑफ अबव थ्री अनफेवरेबल चेंजेस। हमारा जो कैश है वो करंट लाइबिलिटीज़ की निस्बत स्लाइटली थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हुआ है, बेहतर हुआ है पहले से, लेकिन ये जो ऊपर अनफेवरेबल चेंजेस हैं उनकी निस्बत इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत कम है। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।